कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे लोहा बाजार के बारे में, जानेंगे किस तरह से लोहा बाजार में कारोबार देखा जा रहा है, बुलेट में आज किस तरह की कीमतें चल रही हैं, किस तरह उतार चढ़ाव और ट्रेंड मार्केट में आज देखा जा रहा है, विस्तार से बारे में बात करेंगे। मगर उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो लोहा बाजार के बारे में बात करते हैं। लोहा बाजार में आज सुबह बाजार खुलने के साथ बहुत अच्छी तरह कारोबार नहीं देखा गया। आज रामनवमी है जिसकी वजह से मेजर मार्केट जो है, जो अधिकतर मंडियां हैं वो बंद है, और मार्केट में एक सुस्त कारोबार आप देखकर जा सकते हैं। इंगट में भी आज बहुत ज्यादा अच्छी तरह से कारोबार नहीं देखा जा रहा है, जिसको देखते हुए आप बात करी जाए अगर बुलेट के बारे में तो बुलेट के बाजार में मंडी गोविंदगढ़ का रेट 48,300 रुपए है। दुर्गापुर की 45,500 रुपए देखे जा रहे हैं। रायगढ़ का रेट 45,300 रुपए चल रहा है। रायपुर की 45,300 रुपए देखी जा रही है। रायगढ़ का रेट 45,300 है। रायपुर की 45,300 रुपए आप मार्केट में देखकर चल सकते हैं। कोलकाता का रेट 46,200 रुपए है। जयपुर कीमतें 48,200 रुपए चल रही हैं। इसके अलावा मुजफ्फरनगर कीमतें लोहा बाजार में, बुलेट के बाजार में 47,700 रुपए है। मुंबई का रेट 48,100 रुपए है। गाजियाबाद कीमतें 48,100 चल रही हैं। लुधियाना का रेट 48,000 है, और हैदराबाद कीमतें 47,000 रुपए आप बाजारों में देखकर चल सकते हैं। इसके बाद अगर बात करी जाए इंगट के बाजार के बारे में, तो इंगट के मार्केट में भी बहुत अच्छी तरह से कारोबार नहीं देखा गया है। एमएस इंगट का रेट 48,200 रुपए है, और एमएस स्प्रे की कीमतें 37,200 रुपए देखी जा रही है। ओवरऑल मार्केट में जो ट्रेंड है वो फिलहाल के लिए फ्लैट नजर आ रहा है। एक्सपायरी की वजह से प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है, जिसके कारण मार्केट में गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन आने वाले समय में अप्रैल के महीने में बहुत ज्यादा गिरावट का अनुमान नहीं है। 10 से 15 दिन बाद मार्केट में लोहा बाजार में इंगट में रिकवरी आएगी, जिसको देखते हुए आप बुलेट के बाजार में भी बढ़त के साथ कारोबार आने वाले टाइम पर देखकर चल पाएंगे। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।